भैया, सब कुछ ठीक बा? कुशल मंगल। चश्मा लगा लेते, काफी धूप है। बिकॉज स्वैग इज इम्पोर्टेंट। डुप्लीकेट चश्मा है ना, गंदा होता रहता है। ने पूछ रहे हैं तो रस्ते का माल सस्ते में 80 रुपए बस्ते में। भाल लगी। क्या बाबा, क्या देख रहे हो? हाँ, YouTube में वीडियो करते हैं। सिराज खान चैनल का नाम है, सब्सक्राइब मार देना। वेल हेलो दोस्तों, बुजुर्ग बच्चा बड़ी मिलते हैं। एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। कुछ दिन पहले हमने बताया था आपको मोटो ब्लॉग के दौरान कि हमने एक बूट लिया है ओराजो का। तो वो बूट जो है हमारे ठीक इस तरफ शॉप है, कॉमरेड पिस्टॉप। उस दिन हम मोटो ब्लॉग में बताया था, जाएंगे वहाँ पे, कुछ सामान है क्या नहीं है सब कुछ दिखाएंगे और देखते हैं। एक बहुत ही बढ़िया सा हेलमेट और एक बहुत ही बढ़िया सा राइडिंग सूट, रेसिंग सूट प्रॉपर आज सोच रहे के ले ले। देखते हैं अगर बजट में फिट बैठता है तो सोच रहे हैं। आजकल जैसे आपको पता है इंस्टा 360 है, उसमें हम काम सीख रहे हैं धीरे धीरे करके। एक वीडियो में डाला है, आज भी कुछ शॉट लिया है। इस दुकान में नॉर्मल नहीं घुसेंगे, स्वैग के साथ घुसेंगे। सो लेट्स गो इनसाइड द शॉप विथ इंस्टा 360। अभी चश्मा पहन के अंदर जाएंगे तो लोग सोचेंगे सेलिब्रिटी आ गया है। चश्मा करते हैं अंदर और आंखों से आंख मिलाकर, दिल से दिल जोड़कर अंदर जाते, बातचीत करते और सामान देखते हैं। फिलहाल कॉम्रेड पिट स्टॉप में हो चुका है कब्जा। हमारे जो राजोशी भाई है, जो इस शॉप के ओनर है, वो भाई अभी फिलहाल व्यस्त है काम में। सोचे कि हम थोड़ा फ्री है तो आपको दिखा देते हैं। कुछ दिन पहले भी हम आए थे तो तब हमने बूट लिया था, ये वाला बूट। और आपको ये वाला बूट लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए वो बाद में पता चलेगा ड्यूरिंग आवर राइड, अपकमिंग राइड, जो भी मैं राइड करने वाला हूँ भविष्य द फ्यूचर में, तब मैं बता दूंगा उसका राइड कम्फर्ट वगैरह। इसका कितना मिलेगा सेट? सेट ये रहा बूट, जस्ट लुक एट दिस। ये दो वेरिएंट में आता है, एक शॉर्ट वाला जिसका हाइट यहाँ तक होता है और ये वाला हाई एंकल वाला। बट व्हाई आई चूज दिस वन, क्योंकि ये ज्यादा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। इसको पहनने के बाद अगर वाहियात लगे वो भी हम बता देंगे, दिक्कत नहीं है उसमें। और पीछे का देखिए, रिफ्लेक्टर है यहाँ पर। जब आप राइड करते हो रात के टाइम में स्पेशली, पीछे में गाड़ी वगैरह आता है ना, तब हाई बीम से आपको ये रिफ्लेक्टर से पता चलेगा कि सामने दो टंगरी है, जो बीच में बाइक है उनका, वो जा रहे हैं। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और यहाँ पे वेलप्रो है, फिटिंग वगैरह काफी मस्त है। और हमारा टंगरी काफी छोटा है, साइज काफी छोटा है, हम 6 नंबर का पहनते हैं। आपका टंगरी कितना छोटा है? हमसे भी छोटा है तो गौर फरमाइए कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके। लेकिन ये वाला बूट आपको टूरिंग पर्पज में ज्यादा काम में आता है। मैंने पहन के थोड़ा चलना फिरना भी किया, पैदल वॉकिंग वगैरह किया था इसको पहनकर। सो इट इज वेरी कम्फर्टेबल एज ऑफ नाउ, बाकी राइड में ज्यादा अच्छी तरह से पता चलेगा। अपार्ट फ्रॉम टूरिंग, अगर आप शॉर्ट राइड वगैरह करते हो तब आपके लिए और भी एक बूट आता है जो स्पोर्ट्स काइंड ऑफ होता है, जिसमें मेटल वगैरह होता है, जिसपे आप कॉर्नरिंग वगैरह प्रैक्टिस करते हो, ट्रैक वाला बूट्स, वो सब भी है। अगर राजश्री भाई फ्री हो जाते हैं उसके बाद हम आपको दूसरा वाला बूट अगर इनके पास है वो भी दिखा देंगे। यहाँ पे आने का मेन रीजन यही है कि कुछ दिन पहले मोटो ब्लॉग में हम बोल रहे थे कि हम आएंगे स्टोर में, बूट तो हमने ले लिया लेकिन आपके लिए फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि आज यहाँ पे ढेर सारा हेलमेट का कलेक्शन है जिसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। सस्ता से लेकर हैवी तक किस प्राइस रेंज में सब कुछ आता है, आपको मिलता है, उसके बारे में बात करेंगे। बाकी हमारा नजर है इसमें, देखते हैं अगर कुछ डिस्काउंट वगैरह होता है तो इसको शायद से आज इसको मतलब। तो देखते हैं प्रीमियम सेगमेंट में क्या क्या हेलमेट है इनके पास हाई रेंज में और अच्छा सेफ्टी फीचर्स के साथ। अगर प्रीमियम सेगमेंट की हेलमेट्स की बात करें तो अभी हमारे राजोशी दा के पास में है KYT और के दोनों एक ही है, बाकी यहाँ पे AGV का हेलमेट है और एरो का भी है। सो प्राइस रेंज कहाँ तक आपके पास है मतलब? चालू होता है अराउंड 14,500 फ्रॉम द स्टैंडर्ड वन। 14,500 से स्टार्टिंग है प्रीमियम सेगमेंट में ना। कोई कस्टमर को अगर उससे भी महंगा चाहिए तो आप ला के दे सकते हो ना, मतलब पिस्ता वगैरह चाहिए तो आप ला सकते हो ना। अच्छा अच्छा, तो शॉप को इसलिए रिकमेंड कर रहे हैं क्योंकि हमें खुद से पता है कि राजश्री भाई के शॉप में कभी भी आपको फर्स्ट कॉपी का सामान नहीं मिलेगा, जो भी मिलेगा ओरिजिनल मिलेगा। लोग सोचते होंगे कि ये तो फर्स्ट कॉपी शायद होगा, ऐसा होगा, ऐसा कोई नहीं है, सारा कुछ सामान एकदम ओरिजिनल है। और अगर आपको उससे भी महंगा वाला चाहिए तब ऑर्डर करने से भाई आपको ला के दे देंगे। ये वाला है आई गेस 30,000 का, 29,500। तो इस पे हमारा थोड़ा नजर है, देखते हैं करंट फेवर है ना इसमें। AGV का ये वाला, ये K3SV है। K3SV, इसका प्राइस 25,500 और ऊपर में 27,000 का वो एक है ना, एरो का है ST501 और 27,000 का है। अच्छा अच्छा अच्छा, बढ़िया बढ़िया। इधर में अभी हम जाएंगे आगे, इस तरफ आपको वेगा का एक्सोर सीरीज का हेलमेट वगैरह देखने को मिल जाएगा। सबका अगर बात करें कितना प्राइस रेंज में आ जाता है, सब 5,000 बिलो और 5,000 के रेंज में आ जाता है। काफी फंकी वाले ग्राफिक्स के साथ भी मिल रहा है, थोड़ा यहाँ पे देखिए अजीबोगरीब डिजाइन में
डक फेस, थोड़ा ब्लैक वाला, थोड़ा स्टैंडर्ड कलर में भी है। रेट्रो रेंज भी यहाँ पे है। अच्छा रेट्रो रेट्रो वाला ये सब है ना, रेट्रो ये ज्यादा मेरे को वो लग रहा है, वो जो 67-70,000 के रेंज में एक हेलमेट आता है बैटमैन एडिशन का, हाँ उसका भी ग्लास ऐसा ही है, इसी शेप में, अच्छा लग रहा है, यूनिक है ये। और इधर में आते हैं तो SMK का सारा कुछ है यहाँ पर, और SMK का जनरली स्टोर में जाते तो हम लोग मैक्सिमम तो स्टोर में आपको ये वाला देखने को मिलता है, लेकिन हमें यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया वाला मिला है, ये फ्लिप ऑफ हेलमेट है ये यहाँ पर, और दूसरे दूसरे ग्राफिक्स में भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जो कि थोड़ा यूनिक है कम्पेयर टू अदर शॉप्स। जस्ट लुक एट दिस कलेक्शन, अभी हमारे राजूशी भाई के पास बहुत सारा है, इनकेस आप सोच रहे हो लेने के लिए फटाक से ले लो, क्योंकि भाई के पास स्टॉक रहता नहीं है, फट से गायब हो जाता है। और साइड में देखिए ये बहुत ही बढ़िया हेलमेट है MT का, जिसके साथ GoPro फ्री मिलता है। भाई ये हमारा ही हेलमेट है, इसमें सजा के रखे हैं, और साइड में हमारा बैग है। तो यहाँ पे ऊपर में देखिए बिलमोला का भी है, जिसका प्राइस में लगभग 7-8,000 में आपको मिल जाता है। और KYT थोड़े देर पहले जो दिखाया था थोड़ा महंगा वाला जो है, इसका सबसे मिनिमम रेंज में अभी 11,000 के रेंज में ये वाला है, ये ऊपर वाला थोड़ा महंगा 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 ये सब कुछ। और धूल कीचड़ में लथपथ होने वाले लोगों के लिए भी हेलमेट है, यहाँ पे LS2 का है 12,500 का, ये एरो का ये भी है 12,500 के रेंज में, बाकी ये सब नीचे वाला जो भी है थोड़ा बहुत आपको सस्ता मिल जाएगा। वीडियो के आखिर में तो बताएंगे कि सस्ते के ऊपर और सस्ता करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको। इस जैकेट में हमारा नजर है, इसके पीछे वाला ये वाला भी जैकेट, इसका प्राइस कितना है? 45,000। ये वाला हमारा बाइक के साथ सूट कर रहा है, अच्छे लुक्स में और थोड़ा क्वालिटी वाले फिनिश में। सबसे सस्ता वाला हेलमेट जो अभी फिलहाल स्टोर में है वो ये है, एक्सोर का है ना, रेज मॉडल। कितने में आता है? 3,410 रुपीस में आता है ये वाला। अपार्ट फ्रॉम हेलमेट गाइस, यहाँ पे देखिए छोटा मोटा सा एक्सेसरीज जैसे कि टैंक ग्रिप वगैरह, ये यहाँ पे लिखा है यूनिवर्सल, बट आई डोंट थिंक सो हमारे बाइक में ये फिट हो जाएगा। और यहाँ पे मोटरसाइकिल डैशबोर्ड प्रोटेक्टर, बाकी ये वाला बहुत ही बढ़िया वाला सामान है जो हम पर्सनली भी यूज कर रहे हैं, और जो भाई लोग हमें इंस्टाग्राम में फॉलो करते हैं उनको ऑलरेडी पता है कि इसका हमने स्टोरी डाला था। अभी भी देखिए नीचे, इसे शू प्रोटेक्टर भी बोलते हैं, और गियर शिफ्टिंग कर सकते हो इसको लगाकर, ताकि आपके शूज वगैरह जो है उसमें निशान ना पड़ जाए। हम यूज़ कर रहे हैं पर्सनली अभी राइनोक्स का टैंक बैग, बाकी यहाँ पे भाई के पास है गार्डियन गैलेक्सी, जो कि थोड़ा सस्ता पड़ता है कम्पेयर टू राइनोक्स। ये वाला भी सही है, वाइटर का जो क्लो बैग है ना, इसी उसी डिज़ाइन में ये वाला भी बैग है। और यहाँ पे छोटा छोटा सैडल बैग भी है, मेरे ख्याल से स्कूटर वगैरह के लिए होगा ये, 50 लीटर्स का ये। और टैंक बैग देखिए एक छुटकू सा है ये, एकदम छुटकू वाला, और थोड़ा बड़ा सा ये वाला, ये भी आप यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर है ये वाला ग्लोव्स, दो दिन पहले हम आए थे, इमरान भाई भी आए थे, और इमरान भाई ने ये वाला परचेस किया था, बहुत ही बढ़िया वाला है, गुड लुकिंग है, बाकी सेफ्टी वगैरह। यहाँ पे पीछे में ना नॉक्स का तो नहीं है गाइस, मेरे ख्याल से नॉक्स का नहीं है, बट नॉक्स जैसा ही है, मतलब क्वालिटी वाला प्रोटेक्टर है, ऐसा लो क्वालिटी वाला नहीं है, बढ़िया है क्वालिटी इसका। बाकी स्काला सोलेस और वाइटर में आपको नॉक्स वाला भी मिल जाएगा। यहाँ पे जो जो है, यहाँ पे ये वाला मॉडल कौन सा है? स्नेल का BBG का एक ब्रांच है, मतलब उन्होंने बनाया है। बाकी यहाँ पे स्काला का है, और यहाँ पे बाइकिंग ब्रदरहुड का XDI का भी है, यहाँ पे मिल जाता है। बाकी ये सब जो है रेसिंग ग्लोव्स है, अपार्ट फ्रॉम डेट टूरिंग ग्लोव्स भी मिलता है, सोलेस की तरफ से आता है। BBG का हमारे पास ऑलरेडी एक है विंटर ग्लोव, स्टॉक में नहीं है, कोई बात नहीं, आप तो हमें फॉलो करते हो, जब हम तवांग जाएंगे ना तब वो दिखा देंगे आपको, दिक्कत नहीं है। अभी ग्लोव्स में सबसे सस्ता वाला ये, मतलब फॉर डेली पर्पज यूज आप कर सकते हो, टूरिंग वगैरह के लिए नहीं, सिटी में राइडिंग वगैरह के लिए। ये कितने का आ जाता है? 2,000 में आपको मिल जाता है, क्वालिटी वही क्वालिटी बढ़िया वाला है, और ये नहीं है मतलब चाइनीज माल नहीं है, ब्रांडेड है। जैसा कि आपको पता है गाइस, सोच रहे थे कि ये वाला लेने के लिए, उससे पहले इसको पहन के देखना पड़ेगा। 45,000 इसका प्राइस, इसको पहन के देखते हैं फिटिंग विटिंग होता है कि नहीं। बाकी स्कीम लगाया है राजूशी भाई के साथ, अगर स्कीम में खड़े उतरते हैं तो उस हिसाब से फिर लेके जाएंगे यार, नहीं तो फिर बैठना पड़ेगा। देवा रे देवा, क्या क्या करना पड़ता है रे भाई, क्या भाई तिजोरी के अंदर घुस रहे हम तो। अभी सिर्फ एक टंगरी घुसा है, दूसरा वाला देखो भाई, बस सवर के अच्छा दिखना है तो थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। फॉर सेफ्टी पर्पज आपको चाहिए प्रोटेक्शन, फुल प्रोटेक्शन, देन ओनली यू कैन गो फॉर दिस फुल बॉडी सूट। और ज्यादातर ये काम में आता है ट्रैक पर, ये पहन के आप टूरिंग करोगे स्पोर्ट्स बाइक पे तो सही, बाकी हिमालयन पे टूरिंग करोगे तो थोड़ा फनी लगे, बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है, सेफ्टी इज द हाईएस्ट प्रायोरिटी। भाई कौन पहनता है सब कौन पहनता है सब भाई, भाई ऐसा लग रहा है हम स्पाइडरमैन बनने वाले हैं, बिस्मिल्लाह कह के घुस रहे हैं भाई, बाद में निकालना भाई, निकालोगे तो बाद में फिर फंस जाएंगे, नहीं तो हम अंदर। भाई सांस लेने दो,
भाई हिल नहीं सक रहे हम, अबे हिल ही नहीं सक रहे भाई, इसमें इसको पहन के ना खड़े होके भी सो सकते हो, बॉडी बॉडी पूरा बैलेंस हो रहा है। कैसा लग रहा है? ओ भाई इससे नहीं उठ सकते ज्यादा। ओ जस्ट लुक एट दिस गाइस, बैठ के उठो तो बैठ सकते हैं, पूरा फुल नहीं बैठ सकते मेरे ख्याल से। नहीं नहीं फुल में रिस्क नहीं लेना है, पता चल यहाँ से फट गया, यहाँ से फट गया, 20,000 ऐसे देने पड़ रहे हैं हमको। सो अपार्ट फ्रॉम दिस फुल सूट गाइस, यहाँ पे RST का राइडिंग बूट्स, तो कलर भी बहुत मैच कर रहा है। जैसे तैसे करके गाइस इसके बाहर से निकले हैं, पूछो मत, एक्सपीरियंस रहा ना, एकदम पसीना पसीना छूट गया अंदर। कुडोस टू देम जो ये पहन के ट्रैक पे चलाते हैं या फिर शिलोंग रोड में जाते हैं, और स्पेशली जिस दिन धूप ज्यादा हो। सैल्यूट, हम हाफ बॉइल्ड हो गए, 50% आई एम बॉइल्ड इनसाइड। तो रेसिंग सूट तो देख लिया, सब कुछ दिखा दिया आपको, अभी जा रहे ऊपर में जहाँ पे ढेर सारा राइडिंग जैकेट मिलता है। कम्प्लीटली डेडिकेटेड वीडियो, जो भी हमारे बाइकर फ्रेंडली वाले ऑडियंस है उनके लिए बहुत ही बढ़िया वाला वीडियो है, क्योंकि सारा A to Z वाला सामान जो आपके लिए नेसेसरी होता है इस वीडियो में आपको पता चल रहा है। सो एक लाइक उसके लिए मांग रहे आपसे, आप पता है भीख मांग रहे बहुत दिनों से, लाइक का लाइक कर दीजिए, बाकी शेयर कीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है ये वीडियो और इन्फॉर्मेटिव है। तो जिसको भी चाहिए होगा राइडिंग गियर्स वगैरह, उसको एक आइडिया हो जाएगा क्या क्या सामान इज लाइक इंपॉर्टेंट और किस प्राइस रेंज में आपको कौन सा सामान मिलता है। सारा कुछ सामान का आपको इस वीडियो में आइडिया मिल गया होगा अब तक, और थोड़ा बाकी है, वो आइडिया भी आपको देना है। उसके लिए हम आए अभी फर्स्ट फ्लोर पर, और यहाँ पे देखिए चारों तरफ जैकेट ही जैकेट है। तो पहले जैसे हेलमेट महंगाई से सस्ते में आए थे, इसमें ऑपोजिट जाएंगे, सस्ता से महंगाई में जाएंगे। भाईजान बोल रहे कि 5 रुपए से राइडिंग जैकेट चालू है, मतलब वो लिटरली 5 रुपए नहीं है, 5,000 से। रेन लाइनर और विंटर लाइनर नहीं रहेगा, लेकिन क्वालिटी बेस्ट है, लेवल टू आर्मर, मतलब लेवल टू आर्मर भी है। हाँ हाँ। लेकिन रेन लाइनर थर्मल नहीं रहेगा, थर्मल नहीं रहेगा। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, दिक्कत नहीं, मतलब पैसा थोड़ा कम है उस हिसाब से, फैसिलिटी भी कम है अभी ऑल पर्पस, लेकिन मिडिल बजट में विंटर लाइनर अंडर ही रहेगा, डिटेचेबल भी कर सकता है खोल के। ये वाला है मोटोटोर का जैकेट, इसमें प्लस पॉइंट यही है कि गाइस के इसके पीछे में जो ये छेंदा है ना, इस पे आपको रेन लेयर मिलता है, तो फिर खोल के आपका जो हाइड्रा पैक होता है पानी पी सकते हो ना रनिंग में, पाइप लगाकर मुंह में 2 लीटर का हाइड्रा पैक आप यहाँ पे डाल के वो पाइप नीचे से हेलमेट में घुसा के पानी भी पी सकते हो, तो बहुत फैसिलिटी है। अब प्राइस भैया 7,500, 7,500। आगे बढ़ते हैं अभी महंगाई की ओर। हाँ तो जी गाइस, अभी सस्ते वाले से यानी एक्सोर से मोटोटोर्क में आगे, अभी उससे थोड़ा बेहतर, उससे थोड़ा अच्छा यहाँ पे है जीव्स का ये वाला जैकेट। आजकल सब कुछ स्मार्ट हो चुका है, स्मार्टफोन, स्मार्ट वॉच, स्मार्ट ग्लासेस, स्मार्ट टायर, हाँ बाइक का टायर भी स्मार्ट आता है आजकल, अपने आप मोबाइल में बोलता है इतना हवा कम है भाई, हवा डालने का नहीं तो स्लिप मार देगा, टेंशन नहीं है। बाकी यहाँ पर है राइडिंग जैकेट ये वाला जीव्स का, ये लोग भी सोचे भाई दुनिया भर में सब लोग स्मार्ट हो रहे तो हम पीछे कैसे छूट जाए। यहाँ पे देखिए एक छोटा सा एक डिवाइस काइंड ऑफ है, इसको आप कनेक्ट कर सकते हो अपने मोबाइल के थ्रू, फिर आप यहाँ पर SOS काइंड ऑफ एक होता है, मोबाइल नंबर अगर घर वालों का दोगे तब इनकेस खुदा ना खास्ता जमीन के साथ आपका बाइक का मिलन हो जाए और घर्षण हो जाए आपके जैकेट के साथ, तो ये तुरंत मैसेज कर देगा आपका लड़का या फिर लड़की फलाना ड्रीम करना इस स्लिप मारिंग एंड गिरिंग फ्रॉम द बाइक। बट फ्रॉम डेट यहाँ पे आप डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी जमा करके रख सकते हो, इनकेस पुलिस वाले ने पकड़ा रोड पर, कहा है हमारे जेब में जैकेट में है, कनेक्ट कर लो देख लो, वैसे इतना टाइम होता नहीं पुलिस वाले के पास, उससे अच्छा डॉक्यूमेंट अपने कैरी करना वही ज्यादा अच्छा है। ओके सो गाइस, फाइनली महंगाई डाइन खाए जाते, ये रहा एक टाइम था जब जब भी हम ये वाला जैकेट देखते थे हमारा क्रश था ये वाला जैकेट, स्पेशली दिस व्हाइट एंड ब्लैक वन, और एक है ब्लैक एंड रेड वन उसमें, लेकिन एक कम्प्लीटली रेड वाला है उसको ज्यादा अच्छा नहीं लगता। सबसे महंगा अभी फिलहाल इनके पास है, द कॉस्ट ऑफ दिस वन इज 16,000 रुपीज और कम्प्लीटली मैच जैकेट है, मतलब बाहर वाला हवा भी अंदर आएगा और आपके पेट के अंदर वाला हवा भी बाहर जा सकता है, सारा फैसिलिटी है, वेंटिलेटर है चारों तरफ, और ये मैच जैकेट है, ऑल वेदर वाला जैकेट नहीं है, इसके अंदर आपको रेन लेयर भी नहीं मिलता, थर्मल भी नहीं मिलता है, उसके लिए थोड़ा और खर्चा करना पड़ेगा क्योंकि प्रीमियम सेगमेंट में पड़ता है, आपको पता ही अल्पाइनिस्टर खर्चा करना पड़ेगा ऑल वेदर के लिए 20,000 मिनिमम, बाकी और कोई जैकेट वगैरह नहीं है, शायद अगर भविष्य फ्यूचर में आएगा हम आपको इंस्टाग्राम में बता देंगे, हमारा इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, इसलिए बोलते हैं फॉलो कर लो भैया, बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाते हैं हम, चलो
हम जो बोल रहे हैं हमारा वाला हाई एंकल वाला, ये लो एंकल मतलब शॉर्ट वाला बूट है, ये भी आप ले सकते हो हमारे वाले से, इसका प्राइस थोड़ा कम है। बाकी कलर मेरे ख्याल से हमें तो ब्लैक वाला ही ज़्यादा पसंद है, वो चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको ये पसंद ये भी ले सकते हो, किसने रोका है आपको, ले लो। तो गाइस राजू सिद्धा तो चले गए, अभी साथ में हमारे भाई है, तो एक बात बताओ भैया जी, राजू सिद्धा ऑलरेडी कन्फर्म कर चुके लेकिन फिर भी आप बता दो, क्योंकि राजू भाई नहीं है अभी। तो वीडियो के पहले शुरुआत में हम बताया था कि जो भी रेट वगैरह हम बता रहे उसके छलावे में मत पड़ो, अगर आप हमारा वीडियो देखते हो तो आओ डिस्काउंट वगैरह हो जाएगा भाई। डिस्काउंट हो जाएगा जरूर जरूर, आप पहले भी आया है कस्टमर को दिया, डिस्काउंट कर देगा हमारा, डिस्काउंट हो या ना हो लेकिन भाई लोग का होना चाहिए। अगर आप आते हो तो हमारा नाम बताना, सिराज भाई की वीडियो देख के आया तो उस हिसाब से भाई हमारे डिस्काउंट कर देंगे आपको, टेंशन नहीं है। हमारा जो जैकेट है इसके लिए हम राजश्री भाई से बोले कि मतलब EMI सिस्टम में अगर हो, मतलब पता है ना 45,000 इज नॉट ए स्मॉल थिंग, और दो दिन हुआ हम 40,000 का कैमरा लिया है। ठीक है, पूछ के देखते हैं, अगर मुमकिन होता है कि डाउन पेमेंट वगैरह भाई करवा सकते राजश्री भाई तो जरूर ले लेंगे फट से, ज़्यादा देर नहीं करेंगे। सूट हम पहने थे डेट इज ओनली फॉर ट्रैक एंड फॉर शॉर्ट राइड्स लाइक शिलोंग गुवाहाटी, बाकी टूरिंग के लिए थोड़ा बहुत तकलीफ है क्योंकि उसको खोलना निकालना स्पेशली द सुसु ब्रेक वाला थिंग दैट इज वेरी मच डिफिकल्ट। बाकी रेस्ट एक चीज छूट गया था, हेलमेट, एक NHK का हेलमेट जो कि इधर में है, NHK का है। अच्छा, जिसका विजिबिलिटी भी बहुत ज्यादा है। अच्छा, और पैडिंग बहुत सॉफ्ट है इसका। अच्छा, ठीक है, आप जो भी सामान लो, हेलमेट लो, जूता लो, माउंट लो, भाई बोल रहे शू प्रोटेक्टर में देखना पड़ेगा, नहीं देखना नहीं करना ही पड़ेगा, ये तो बाउंड है कि नहीं भैया। आज हमको बाहर जाके मोटो ब्लॉग करना ही नहीं है, वीडियो काफी लंबा हो चुका है, यहाँ पे वीडियो को समाप्त करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, टिल देन ड्रीम बिग बी पैशनेट एंड ऑलवेज फ्राइड सेफ माय ब्रदर एंड डोंट ट्रबल योर मदर। हम खैरियत, आप खैरियत, सब खैरियत, बाकी फट से हो जाए रोड ट्रिप तवांग के लिए, रेडी, गेटिंग रेडी फॉर दैट, और थोड़ा बहुत परमिट का काम वगैरह है वो दो तीन दिन में सुलटा लेंगे, उसके बाद मैं कह दूं पहाड़ों पे ले चला।